सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए और आगे भी बढ़िया रहना। सो डियर, अभी हम मौजूद है दोस्तमा फर्स्ट डियर सरकारी स्कूल में, और यहाँ पर जाने की जो बच्चों लोग को तैयारी है किस तरह से चल रही है, सर से बात करेंगे एंड बच्चों लोग से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना मेरे भाई लोग, एंड आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने एंड सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, दोस्तमा फर्स्ट डियर स्कूल के सरकारी स्कूल में आ चुके हैं, और यहाँ पर जाने की जो बच्चों की तैयारी किस तरह से चल रही है और साथ में सर से भी बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना मेरे भाई लोग। सो डियर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं दोस्तमा फर्स्ट डियर स्कूल में आ चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ सर हैं। सर से बात करते हैं क्या रिएक्शन है। और सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है, और आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको आने से मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आपके आने से बच्चे का जो पहले से सुन करके बच्चे बड़ी बहुत खुश है, बहुत मेरे विद्यालय में बच्चे खुश हैं कि मेरे पास अभी अभी चैनल के आदमी आए हैं, और हम तमाम बच्चों से वार्तालाप होगा, और इसके लिए मैं चैनल को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, स्कूल में विकास कैसे हुआ सर? जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं सर कि जो कि एक्चुअली मतलब विद्यालय में बच्चों को भेज देते हैं और वो सोचते हैं कि उनका जिम्मेवारी खत्म हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को पर सुरक्षित शनिवार जो मेरे विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होती है, जी जी, उस मीटिंग में मैं तमाम अभिभावक से बारी बारी से अपने जो उनका स्थान है जी सर, बोलने का जो उनका जो जगह है, उस मंच है, उस मंच से उनका मैं दो उस मंच से उनका मैं दो 5-10 मिनट का समय देता हूँ, और वो अपने बच्चों के कमियां के बारे में मेरे पास वो शिकायत देते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं कि मेरे बच्चे शाम को नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उनसे बहुत खुश होकर कहता हूँ कि बहुत अच्छे आपने मेरे पास सुझाव दिया है। अच्छा। और उस सुझाव से मैं बहुत प्रसन्नता जाहिर करता हूँ कि कम से कम मेरे पास अपने बच्चों की कमियां तो जाहिर किया है, इससे मैं बहुत उनको तय दिल से उनकी कमियों को भापने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं, और प्रत्येक सुरक्षित शनिवार को मेरे विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होता है ना बच्चों? Yes, होता है ना? Yes, पेरेंट्स मीटिंग होता है ना? Yes, आपके अभिभावक के नाते है ना? Yes, उनके साथ मेरा वार्ता होता है ना? Yes, अभी मेरे साथ सुझाव देते हैं ना? Yes, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ओके सर, तो इस स्कूल में कितने टीचर हैं सर? क्या आपको लगता है कि इस स्कूल में टीचर और होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? बच्चे के उपस्थिति के अनुकूल मेरे विद्यालय में अभी की स्थिति में जो अभी समय मेरा करीबन 4 बजने वाला है, इस स्थिति में भी मेरे पास बच्चे 75% से ज्यादा है, कम नहीं है। इसलिए मैं यहाँ कारगर तरीके से विद्यालय का संचालन करता हूँ, जिससे बच्चे में उपस्थिति 100% जो सरकार के अभी जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से मैं उनके अंदर हूँ, उनसे बाहर नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे तरीके से अच्छा इस विद्यालय से लाभान्वित होकर के शैक्षणिक माहौल को बढ़िया से कारगर बना करके जाए, और दूसरे विद्यालय में जब जाएगा तो मेरा विद्यालय का, मेरा बच्चा का, मेरा मेरे शिक्षकगण का बहुत बहुत वहाँ प्रशंसा होगा, और हम सब सम्मानित माने जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ तरीके अच्छे तरीके से ढंगों से विद्यालय का संचालन करता हूँ। क्या मेरे विद्यालय में आप लोग ससमय भोजन मिलता है? प्रार्थना सत्र, जितना सत्र में प्रार्थना होती है, राष्ट्रगान होता है, विचार प्रकट किया जाता है, बाल संसद सक्रिय है, बहुत अच्छे तरीके से आपका विषय और रूटीन बद्ध तरीके से पढ़ाई होती है, विद्यालय में घंटी बजती है, बहुत अच्छे बच्चे। तो डियर, जैसा कि आप देख रहे होंगे सारा वीडियो में बच्चे लोग उपस्थित हैं, एंड हम बच्चे लोग से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैं अपना पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कुछ सवाल। छोटू, खड़ा हो, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। डर तो ना लग रहा है? डरना नहीं है, ठीक है? आप लोग से मैं कुछ सवाल करूंगा, एंड आपको पता हुआ तो आपको आंसर बताना है, घबराना नहीं है, ठीक है? ओके, चलिए बैठिए। छोटी, खड़ा हो,
के बजे खाना मिलता है? 12 बजे। 12 बजे मिलता है खाना? 12 बजे। छुट्टी कितना बजे होता है? 4 बजे। कितना बजे? घबराना नहीं, 4 बजे छुट्टी होता है। पढ़ाई होता है बढ़िया? चलिए बैठिए, बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए जोर से। ठीक है, तो हम आप लोग से कुछ सवाल करने वाले हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है? जिनको आंसर मालूम रहेगा हाथ को खड़ा करना है, आपस में बिल्कुल ही बात नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि अगर आपको आंसर मालूम है तो किसी को बताना भी नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? किसी को नहीं बताना है अगर आपको बताना समझ, किसी को नहीं बताना है अगर आपको बताना समझ में आ जाएगा। हाँ, हाथ को खड़ा करना है तो हम समझ आएंगे और आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, ठीक है? तो आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? भारत माता की। चलिए बहुत अच्छा, और इसी के साथ हम कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, बिहार में कितने जिले हैं? क्या नाम है चोरी? लकी कुमार। जोर से बोलो, लकी। अच्छा, आंसर क्या होगा? 29। बिहार में कितने जिले हैं? 38। सॉरी, वो होता है 38 है ना। चलिए जोरदार ताली हो जाए चोरी के लिए। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, किसी को आंसर मालूम है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है, किसी को आंसर मालूम है क्या? आप लोग आंसर मालूम है क्या? हाँ सर, बोलिए। 94,063 किलोमीटर। चलिए सही है, राइट आंसर के लिए ताली हो जाए। भोवेल कितने होते हैं? भोवेल कितने होते हैं, किनको मालूम है? चल खड़ा हो। कितने होते हैं? पांच होते हैं। yes. लग रहा है सही है। चलिए जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं? 26। क्या? 26। चलिए क्या बात है, छोटी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सोडियर अभी के देख सकते हो कि सोडियर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लड़के एक तरफ और लड़कियाँ एक तरफ बैठी हुई आपको दिख नहीं मिल रही होगी, तो मैं यहाँ पर कंपटीशन करा दिया हूँ, पंचमा का लड़की और पंचमा का बॉय यहाँ पर देख सकते हो बैठे हुए हैं। कि आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं कंपटीशन करने के लिए? और आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? क्या लगता है कौन जीत पाएगा इसमें कंपटीशन में? हम लोग। क्या? लड़का। अच्छा चलो देख लेते हैं। चलो क्या सवाल है आपका? भोवेल का पूछो। भोवेल का इसका सवाल है, भोवेल का स्पेलिंग याद है किसी को? इधर बॉय में किसी को याद है? खड़ा हो। चलो याद है तुमको? हाँ। क्या होगा? AEIOU। तो यहाँ पर छोटू ने गलत जवाब दिया है, क्या होगा बताइए? मोबाइल का ना होगा बी। क्या बोली, क्या सवाल है छोटी तू आपका? भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा? भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा छोटी का सवाल है, किनको आंसर मालूम है? भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हाँ। कौन हाथ को खड़ा किया सबसे पहले? क्या है? हिंदी। मातृभाषा हिंदी है। सही है, जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, आप लोगों को डरना नहीं है, किसी को डर लग रहा है क्या? नहीं। हाँ तुम जो मालूम रहेगा आंसर खट। एक्साइटेड हो? चलिए बहुत ही अच्छा, क्या बात है। मसालों की रानी कौन है? क्या? मसालों की रानी। मसालों की रानी कौन है बताओ, मालूम है आंसर? इलायची। इलायची है। क्या है? काली मिर्च। काली मिर्च है मसाला। चलो जोरदार ताली छोटू के लिए। क्या बात है, औरंगाबाद जिला का मुख्यालय क्या है, तुम्हारा सवाल है? यस सर। चलो जाओ बताओ, औरंगाबाद का मुख्यालय कहाँ है मालूम है? मालूम है आप लोगों? नहीं। क्या होगा आंसर छोड़ो? औरंगाबाद। औरंगाबाद सही में? चलो जोरदार ताली।
चलो पॉइंट काउंट करो, लड़की से काउंट करो। भारत देश में प्रथम प्रधानमंत्री बोलो कोई दिक्कत नहीं है, वो बताएं मिस्टेक। प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ। अच्छा, क्या बात है, किनको लग रहा है कि आंसर मालूम है? आंसर किसी को जिनको आंसर लग रहा है कि हम बता सकते हैं, हाथ को खड़ा करेंगे। चलो जोरदार ताली खुद के लिए बताओ। श्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है? यस सर। सही है? यस सर। चलो जोरदार ताली खुद के लिए। चलो छोटी तुम बताओ, हिंदी का स्पेलिंग क्या होगा? हिंदी का स्पेलिंग क्या होगा? चलिए खड़ा होइए, हिंदी का स्पेलिंग क्या होगा? HI। हाँ। NDI। चलिए बहुत अच्छा, बढ़िए। चलो तुम खड़ा हो। पाँच प्लस नौ कितना होगा? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ते हैं घर पर। जोड़ना है, जोड़ना है। हाँ, पाँच और नौ कितना होगा, जोड़ना है? चौदह। पाँच नौ चौदह, चलिए बहुत अच्छा, बढ़िया। इसी तरह 500 और 50 रुपये कितना हुआ? 550। चलिए जोरदार ताली, सही है। मैंगो का स्पेलिंग, मैंगो मैंने क्या होता है? हाँ। स्पेलिंग बोलो। MANGO। चलिए क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। तुम बताओ पिकॉक का स्पेलिंग क्या होगा? पिकॉक का स्पेलिंग स्पेलिंग याद है? PA। हाँ, PA। पी न पिकॉक। पिकॉक मैंने क्या होता है, किसको लग रहा है? चलिए ठीक है, PESCOCK। PESCOCK। अच्छा तुम बताओ, तुमको भी याद है? PESCOCK। चलो बहुत सही, बहुत अच्छी, बैठो बैठो, बहुत जोरदार ताली हो जाए। छोटी भी बहुत आंसर दी है, क्या नाम है छोटी आपका? आसमीन परवीन। आसमीन परवीन, इनके लिए जोरदार, भी काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रात को 2 घंटा कम से कम पढ़े, ठीक है? इसी तरह से पढ़ते रहे, और कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी तैयारी करें तो उसमें GK, जनरल नॉलेज, मैथ और जो भी नहीं आ रहा है आप दूसरे फ्रेंड से पूछें, या फिर किसी अगर आपके जो भी घर में है उनसे हेल्प लीजिए कि हमको ये नहीं आ रहा है, हमको बताइए, सर से पूछिए, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बैठिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 विनर बन चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट जो आई है ये छोटी का नाम क्या है, क्या नाम है छोटी? लकी कुमारी फर्स्ट आई है, एंड सेकेंड आई। आपका क्या नाम है? रोजी कुमारी सेकेंड है। इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। फर्स्ट एंड सेकेंड आके कैसा लग रहा है तुम लोगों को, और क्या अच्छा इन लोग बहुत अच्छा लग रहा है, और इन लोगों को तुम लोग क्या कहना चाहोगे जो नहीं फर्स्ट आए या फिर नहीं पढ़ते हैं घर पर, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे तुम लोग? सर हम ये कहना चाहते हैं कि घर पर पढ़ती तो होगी। अच्छा सर, रोज यहाँ आती होगी पढ़ने। अच्छा, तो इन लोग क्यों नहीं तुम लोग तरह जवाब दे पाया, आखिर क्या रीजन है, इन लोग क्या लगता है तुम लोग को?
क्या लगता है इन लोगों के जवाब मालूम था या फिर इनको नहीं मालूम था या फिर पढ़ते नहीं है? पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं है। तो इन लोगों को क्या कहना चाहोगी? घर पर मन लगा के पढ़े। थोड़ा जोर से बोलना, घर पर मन लगा कर पढ़ने। घर पर मन लगा कर पढ़ने। सुनी तुम लोग? yes, सुना? yes, पढ़ेगा रात को? yes, तो जैसा कि आपको दिख रहा हूँ यहाँ पर सर से मैं पुरस्कार वगैरह दे रहा हूँ। सर दे दीजिए पुरस्कार, फर्स्ट को कॉपी एंड सेकंड को पेन दे दीजिए। चलिए क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। इसी तरह से पुरस्कार लेते रहो और हौसला को बुलंद रखो और मन लगा के घर पे पढ़ो। आज तुम भी इसी की तरह पुरस्कृत हो गए और तुम्हारा भी आगे पुरस्कार लेने का अधिकार रहेगा। आप भी अधिकारी होंगे और हमसे जितना तुम लोग मदद लेना चाहता है, जिस तरीके से शैक्षणिक माहौल लेना चाहता है, उस तरह से मैं शैक्षणिक माहौल देने के लिए आप लोग के साथ हमेशा तैयार हूँ, हमेशा आप लोग के साथ हूँ। और सर समय से आइए और विद्यालय में अवश्य आइए, यहाँ भी आइएगा। आपको शैक्षणिक के लिए आपको ट्यूशन की जरूरी नहीं होगा, हम लोग इतने ढंग से तरीके से आप लोगों के साथ रहूंगा, शेयर करूंगा कि आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होगा, सैटरडे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ आप लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सर समय से आप लोगों का भोजन देंगे, बाल संसद के द्वारा सारी चीज गतिविधियां कराई जाएगी और हम लोग प्रतिबद्ध तरीके से रूटीनबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ शैक्षणिक माहौल देता हूँ और देता रहूंगा। और जो हमारे पास मीडिया के जो आए हैं कर्मी, उनको हम तमाम स्कूल की ओर से इन्हें हार्दिक बधाइयां है, हार्दिक शुभकामना है। सर पेरेंट्स को यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे जो सर स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं या फिर मतलब अच्छा वो नहीं पढ़ पाते हैं, घर यहाँ पर मन नहीं लगा पाते हैं पढ़ने में, उनको क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को क्या पेरेंट्स को भी सर यही लगता है कि स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया, अब स्कूल में पढ़े या फिर ना पढ़े, तो इस कंडीशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए सर? मैं पेरेंट्स को सबसे पहले यहाँ बुलवाऊंगा और उनके साथ एक बैठक रखूंगा और बैठक में उनके बच्चे की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों के बारे में हम उन्हें अवगत कराएंगे कि आपका बच्चा जो है हम यहाँ शैक्षणिक माहौल में उतारते हैं तो वह हमारे साथ खड़ा नहीं उतरते हैं, इसमें हमारी कमजोरियां है कि आपकी कमजोरियां है, वह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आप मेरे साथ बैठक में शेयर करें कि आपका बच्चा आखिर क्यों नहीं शैक्षणिक माहौल से जुड़ रहा है और उसकी जो ये कमियां आ रही है आखिर क्यों आ रहा है। आप हमको अपने बच्चों की कमियों को मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आगे उन बच्चों का पठन पाठन की जो क्रिया है उस क्रिया से हम उन्हें लाभान्वित करें। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट आपको लगता है कि गवर्नमेंट है आपको कुछ सुविधाएं नहीं दी है या फिर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, उस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की जो अभी सिचुएशन चल रहा है, गवर्नमेंट की जो यहाँ पॉलिसी एक्ट है शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक माहौल में उनके ओर से मैं जो गतिविधात्मक विधि है जो उनकी गुणवत्ता मिशन की जो अभी बात चल रही है वो बिल्कुल 100% गुणवत्ता की बात सही है और सही उचित तरीके से है भी। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का जो समय सारणी है वो समय सारणी से सरकार की अभी जो नीति जो है वह हम लोग से थोड़ा समय के दायरे को हट करके काम कर रहे हैं, इससे हम लोग उनकी तरीका से दुखी हूँ। चलिए बहुत ही क्या बात है, जोरदार ताली फिर से हो जाए सर के लिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं और आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, आप सर्च कीजिएगा डीटी रेसिंग बॉय और मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के पास सामने लिख दे रहा हूँ, आप अपने स्मार्टफोन पापा भाई जो भी आपके घर में जिनके पास बड़ा स्मार्टफोन है उन मोबाइल में देख सकते हो आप लोग, ठीक है।